हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लचेस। तो क्लच क्या है? क्लच एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो सोर्स को यानी कि इंजन को पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गियर बॉक्स से कनेक्ट करने के काम में आती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम ड्राइविंग शाफ्ट को ड्रेवन शाफ्ट से कनेक्ट करती है, या हम कह सकते हैं हिंदी में कि चालक शाफ्ट को चालित शाफ्ट से कनेक्ट करती है। और जबकि हमें इंजन को बंद भी नहीं करना होता, इंजन को बिना बंद करें हम जब चाहें चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। ये ऑपरेशन होता कैसे है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम से। ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे। देखिए, ये इंजन वाला पोर्शन है, इंजन में इंजन के शाफ्ट से कनेक्ट है फ्लाई व्हील, और यहाँ पर हमारे पास ये क्लच है जो गियर बॉक्स से कनेक्ट है। तो अगर हमें गियर बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्लच को हटाना पड़ेगा। तो क्लच को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लच के ऊपर इधर फोर्स लगाएंगे तो क्लच क्या हो जाएगा, डिसेंगेज हो जाएगी फ्लाई व्हील से। तो इंजन तो चलता रहेगा लेकिन ये वाला पार्ट को पावर ट्रांसमिट नहीं होगी क्योंकि क्लच डिसेंगेज यानी कि हट चुकी है। और अगर हमें गियर बॉक्स चेंज, हमने गियर चेंज किया और गियर चेंज करने के बाद हमें इस शाफ्ट को कनेक्ट करना है तो हम इसमें इधर फोर्स लगाएंगे और ये क्लच फ्लाई व्हील से कनेक्ट हो जाएगा और इंजन से पावर गियर बॉक्स में जाने लगेगी और जिससे हमारी मशीनें चलने लगेगी या जो हमारी गाड़ी है वो चलने लगेगी। इस वाले डायग्राम में देखते हैं कि क्लच कैसे काम करती है। देखिए, इस डायग्राम में हम देखते हैं, देखिए अगर हम इस पर डिसंगेज करना है हमें, ये है हमारी आउटपुट शाफ्ट या चलित शाफ्ट, हिंदी बोलते हैं चलित शाफ्ट, और यह है चालक शाफ्ट जो इंजन से कनेक्ट है, इसमें फ्लाई व्हील लगा हुआ है। तो फ्लाई व्हील से अगर हमें क्लच को डिसंगेज करना है यानी कि पावर को कट करना है गियर बॉक्स में जाने से, तो हम यहाँ से लीवर के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लीवर के ऊपर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा। जो यहाँ से प्लेट है, क्लच प्लेट है, ये फ्लाई व्हील से डिसंगेज हो जाएगी और पावर ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा इंजन में। जैसे हम यहाँ से फोर्स को हटा लेंगे तो जो हमारे ये स्प्रिंग दिए हुए हैं, ये स्प्रिंग फोर्स क्या होंगे, ये अपनी स्प्रिंग फोर्क से जो एक क्लच प्लेट है इसको वापस इससे कनेक्ट कर देंगे फ्लाई व्हील से और पावर इंजन में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्लच काम करता है। तो जब हमें इच्छा होती है गियर चेंज करने की या मशीन को बंद करने की, तो हम इसको क्लच को अपनी इच्छा अनुसार हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्लचेज एंड कपलिंग। देखिए, डिफरेंस क्लच और कपलिंग में क्या है, कपलिंग में क्या था, कपलिंग एक परमानेंट जॉइंट है, परमानेंट जोड़ है, ये दो शाफ्टों को परमानेंटली जोड़ दिया है। परमानेंट का मतलब क्या है कि मशीन अगर चल रही है तो हम कपलिंग को हटा नहीं सकते हैं, हमें कपलिंग को हटाने के लिए यानी कि दो शाफ्ट को हम डिसंगेज तभी कर सकते हैं जब हमें पहले कपलिंग मशीन को बंद करना पड़ेगा। जबकि क्लच में ऐसा नहीं होता है, क्लच में हम क्या कर सकते हैं, ड्राइवन शाफ्ट को ड्राइविंग शाफ्ट से हम अलग कर सकते हैं यानी कि चलित शाफ्ट को चालक शाफ्ट से अलग कर सकते हैं जब हमारी इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार हम उसको हटा सकते हैं, जबकि हमारा जो इंजन है वो चलता रहेगा, इंजन को बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड कपलिंग, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लचेस। देखिए, क्लच का जो क्लासिफिकेशन होता है वो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस या जॉ क्लच बोलते हैं, और फ्रिक्शन क्लचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन क्लचेस। तो फ्रिक्शन क्लचेस में प्लेट क्लच होता है, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये फ्रिक्शन क्लच के अंदर में आते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आते हैं हम पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस। पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस में क्या होता है, इसमें जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो होता है जो इसके जोज हैं या टीथ, जबड़ों की इंटरलॉकिंग होती है, एक शाफ्ट की जो से दूसरे शाफ्ट के जो जो हैं उनमें इंटरलॉकिंग की वजह से हमारा क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन होता है। इनको पॉजिटिव ड्राइव इसलिए बोलते हैं, पॉजिटिव क्लच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्लिप नहीं होता है, कोई भी स्लिप नहीं होता है, यानी कि जो टीथ हैं वो आपस में स्लिप नहीं करेंगे, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट बना रहेगा और पावर एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में ट्रांसमिट होती रहेगी। ये हमारे दो तरह के होते हैं, स्क्वायर जो क्लच
एंड स्पायरल जो क्लच। तो स्क्वायर जो क्लच में क्या होता है, जो जबड़े होते हैं उनका जो आकार होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। टू हाफ्स होते हैं जॉस के, एक ड्राइविंग शाफ्ट पे होगा, एक ड्रेवन शाफ्ट पे होगा। तो जो हमारा ड्राइविंग शाफ्ट के जो हाफ होता है वो फिक्स रहता है, और जो ड्रेवन चालक शाफ्ट यानी कि जो चालित शाफ्ट है उसको हम आगे पीछे मूव करके, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और लीवर की मदद से हम मूव कर सकते हैं और उसको चालित शाफ्ट से यानी कि चालक शाफ्ट से लगा सकते हैं और हटा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ लीवर। तो इसमें क्या होता है, जब एंगेजमेंट होता है तो जो हमारा जोज हैं वो एक शाफ्ट के जो दूसरे शाफ्ट के जोज में एंटर करते हैं, और पावर का ट्रांसमिशन एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हो जाता है। वो ये दोनों डायरेक्शन में, इसकी जो एक खासियत है, जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये जो स्क्वायर जो क्लच है वो दोनों डायरेक्शन में शक्ति का ऑपरेशन यानी कि पावर का ट्रांसमिशन कर सकती है, चाहे तो एंटी क्लॉक वाइज हो चाहे क्लॉक वाइज हो, दोनों ही डायरेक्शन में पावर का ट्रांसमिशन कर सकती है। इसकी एक क्या है कि ये बहुत ही कम स्पीड पे काम करती है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे अगर हम उनके जबड़ों को मिलाएंगे तो क्या होगा, उनमें एक झटका यानी कि शॉक या वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है। तो इसलिए क्या करती हैं, ये वेरी लो स्पीड पे काम करती हैं स्क्वायर जो क्लचेस। यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए जो इनके जबड़ों का आकार है वो कैसा है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर जो क्लचेस हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये हमें इसको हटाना है तो लीवर को हम इसे मूव करेंगे, लीवर को मूव करेंगे तो ये क्लच पीछे की तरफ आ जाएगी तो डिसएंगेजमेंट हो जाएगा, और लीवर पे जब इधर इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये जबड़े इस वाले जबड़ों में इंटरलॉक हो जाएंगे और पावर का ट्रांसमिशन इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में होने लगेगा। तो इस तरह से स्क्वायर जो जबड़े हमारे काम करते हैं। इसके बाद आते हैं स्पायरल जो क्लचेस। इसमें क्या होता है, जो जबड़े होते हैं वो स्पायरल शेप के होंगे, स्पायरल शेप के होंगे, और इसमें क्या होता है कि जो पावर का ट्रांसमिशन होता है केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, ओनली वन डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज में कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज में कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में शक्ति का ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है कि दोनों शाफ्ट अपने आप ही डिसएंगेज हो जाएंगे, दोनों शाफ्ट अपने आप ही डिसएंगेज हो जाती हैं। ये थोड़ी ज़्यादा स्पीड पर काम कर सकती हैं स्क्वायर जो के कंपेरिजन में, तो जो ये पावर का ट्रांसमिशन कर सकती हैं थोड़ी ज़्यादा स्पीड पर कर सकती हैं स्क्वायर जो से। यहाँ पे हम देख लेते हैं डायग्राम में, देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में शक्ति का ऑपरेशन करेंगे तो हो जाएगा आसानी से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बैठती है। लेकिन अगर हम उल्टा करें शक्ति का ऑपरेशन इसमें तो क्या होगा, ये दांते अपने आप बाहर आ जाएंगे, इस तरह से अपने आप इससे बाहर निकल जाएंगे और कॉन्टैक्ट बन नहीं पाएगा, पावर का ट्रांसमिशन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ये शाफ्ट केवल एक ही डायरेक्शन में शक्ति का ऑपरेशन करती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जो क्लचेस की या पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस की एडवांटेजेस, पहला क्या है कि ये स्लिप नहीं होता इनमें और एंगेजमेंट पॉजिटिव बना रहता है, कोई भी घर्षण नहीं होता है। अगर घर्षण नहीं होता है तो हीट भी जनरेट नहीं होगी एंगेजमेंट और एंगेजमेंट के द्वारा, यानी कि वियर कम रहेगा। ड्रॉबैक क्या है इसका, ये केवल तभी एंगेज की जा सकती हैं जब या तो दोनों शाफ्ट रुकी हुई हों या बहुत ही कम स्पीड पे चल रही हों, तभी एंगेज हो सकती हैं, हाई स्पीड पे ये काम नहीं करती हैं जो हमारी जो क्लचेस होती हैं। और इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या है, हाई स्पीड पे काम नहीं करेगी, क्योंकि हाई स्पीड पे क्या होता है इनमें झटका कंपन उत्पन्न हो जाते हैं, क्लैशिंग हो जाती है जबड़ों की, टूटने का चांस रहता है क्लच के, तो इसलिए हाई स्पीड पर काम नहीं करती हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया पॉजिटिव क्लच तक, कल हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्लचेस। थैंक यू।